ओके, लास्ट टाइम क्या क्या बताया था आप लोगों को? पिक्चर्स को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना, हो गया था सबसे काम। कौन से टूल से कटिंग करवाया था पिक्चर? पेन टूल से। ठीक है, तो पेन टूल को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेन टूल पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। मुझे एक इमेज बनाना है, बैकग्राउंड पे इमेज सेट करना था। सबसे पहले आप कैनवास लेंगे, आप किस टाइप का काम करना चाहते हैं। अगर आप पैनाफ्लेक्स बनाएंगे तो पैनाफ्लेक्स का साइज़ जो भी है, तो मैं फ़िलहाल नॉर्मल फ़ोटो साइज़ ले रहा हूँ लैंडस्केप पे। ठीक है, तो प्रीसेट फ़ोटो एंड देन लैंडस्केप में 5x7 आपने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए, कंट्रोल ओ। बैकग्राउंड आपको पता कहाँ मिल जाएगा? रहा, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड का मुझे कहाँ लेके जाना है? अपने उस कैनवास में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? सिलेक्शन करेंगे यहाँ से आके। थोड़ा सा आज एक और आइडिया दे दे रहा हूँ, उसका एक शॉर्टकट की भी है। आप डायरेक्टली इस पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो है कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल। तो वो क्या करेगा, पूरे जो भी आपका इसके अंदर पिक्चर है इस पूरे को सेलेक्ट ऑल कर लेगा। ठीक है, कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया, देखें सिलेक्शन बना लिया इसने। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी, एंड देन हमारे पास जो ये कैनवास है यहाँ पर आके हमने किया कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। ठीक है, मूव टूल मैंने लिया और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। किस तरह से? कंट्रोल टी से कर लेंगे। परफेक्ट, शिफ्ट दबा के करेंगे तो वो इक्वल साइज पे लेके जाएगा, या भले से मसला नहीं है, आप जैसे भी कर लें। ठीक है, यहाँ तक हो गया, मैंने एंटर करके इसे कन्फर्म कर दिया। अब मेरे पास ये बैकग्राउंड का काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं, नाम पढ़िएगा, ये back.45 या जो भी आपका पिक्चर का, मतलब इस पर काम नहीं करना आपने, जस्ट आपने इसको कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ किया है, क्लोज कर दिया हमने। अब मुझे जो पिक्चर लगाना है उस पिक्चर पे जाएंगे। जैसे मैं कार का पिक्चर यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ, और लोकेशन किस तरह से इसका, तो इस पर कौन सा पिक्चर सही रहेगा? फ्रंट लुक में कोई पिक्चर नहीं है, चले यहाँ से दूसरी जगह आ जाता है, एक्टर के उस पर आ जाते हैं, यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं कोई। ये बच्चे का पिक्चर लेते हैं। ठीक है, ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ पे मुझे इसे सेलेक्ट करना है किसके मदद से, पेन टूल से। पेन टूल हमने ले लिया, उसके बाद क्या करना था? बात करना था। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, लास्ट टाइम किसने कोई सवाल किया था कि सिलेक्शन दोबारा एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते पेन टूल से? किसी ने सवाल किया था सर से? कौन था? आया नहीं है सर। ये सॉफ्ट जो आपने बताया था, इसके मतलब जो इसका साइड होंगी वो सॉफ्ट रहेंगी, वो समझ में नहीं आया। वो पेन टूल पे नहीं होता है, वो मैंने मार्कर टूल पे बताया था, फेदर्स। ठीक है, पेन टूल पे आप सॉफ्ट नहीं कर सकते यहाँ से, वो दूसरे तरीका आ रहे कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा आगे जाके आपको बता दूँगा। खैर, पेन टूल पे अभी तक हमने पाथ पे काम किया है, मैं पाथ का मज़ीद आपको कुछ ऑप्शन बता दूँ, मगर उससे बेहतर ये कि इन्होंने किसी ने सवाल किया था कि हम दोबारा वो चीज़ कैसे एडिट कर सकते हैं, तो मैं आज पेन टूल यूज़ करवाऊँगा, मगर एक नए तरीके से। ठीक है, उस पर आपने यहाँ से पाथ के बजाय क्या करना है, शेप लेना है। ओके, शेप ले लेना। अब मैं कंट्रोल जूम कर रहा हूँ उसे, कंट्रोल प्लस किया मैंने। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल जेड, स्पेस दबा करके हमने मूव किया। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया,
जैसे मैं अभी यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा वहाँ पे देखो शेप लेयर ऐड हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट अभी फ़िलहाल इस को जो है ना आप ऐसे इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो क्या है, ये ब्लैक कलर हो गया है और पीछे क्या है आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्या करना है आपने, इसके ऑपोसिटी पे जाना है और इसको बिल्कुल क्या कर देना आपने, ज़ीरो। अगर ज़ीरो नहीं करना तो तकरीबन 5% रख दो, ठीक है। और ब्लैक कलर के बजाय ऐसा क्या कर दो, कलर कोई रेड कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल, ताकि आपको पता चले कि आपने जितना सिलेक्शन बनाया है वो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये काम आता होगा तो आप इतना सिलेक्शन ट्राइंगल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। याद रहेगा क्या करना है, क्या करना है बताओ। पॉइंट जैसे लगाओगे लेयर बन गया, उसके ऑपेसिटी को जीरो कर देना है। नहीं, 2% कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिल पे जाके ऐसा कलर रेड कर दो, डन है, हो गया हमारे पास काम, एंटर। ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बाद आपने क्लिक करते जाना है, ये अलग से शेप बना दिया, कोई मसला नहीं है। अगर ऐसा हो तो आप उस पॉइंट पे अगेन क्लिक करिएगा, फिर दोबारा करिएगा तो वो उसी से आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब आप करीब करीब इसमें लगा रहे हैं पॉइंट, ठीक है। फिर स्पेस दबाया मैंने, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, तो इस शर्ट पे आप देखें थोड़ा सा रेड इफेक्ट आना शुरू हो गया, और जो शेप लेयर है उससे भी जरा अगर गौर करें तो उसके अंदर वो शेप बनना शुरू हो गया, दिख रहे सबों को। शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पॉइंट गलत लग गया, अब क्या क्या आ जाए, कंट्रोल प्रेस करना आपने। क्या आया मेरे पास, पेन की जगह एरो बना हुआ आ चुका है। अब जो पॉइंट गलत लगा उस पॉइंट को पकड़ करके एडजस्ट कर लें, ठीक है। हो गया, कंट्रोल छोड़ दें और उस पॉइंट के ऊपर एक दफ़ा अगेन क्लिक करके आगे कंटिन्यू काम शुरू कर लें। ठीक है, कंप्लीट हो गया। मैं जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल माइनस, अगर मैं यहाँ से इसका फिल बढ़ाता हूँ तो देखो क्या हो रहा है। ये क्या हुआ है कि जब मैंने शेप लेयर सेलेक्ट किया तो उसने एक अलग से शेप का लेयर बनाया और उसके अंदर वो चीज़ ड्रॉ हो चुका है। इसका फ़ायदा क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी ऐसा होता है, अभी तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया ना, ये तो हमने समझो बिल्कुल चालू काम किया, मगर एक प्रोफेशनल जो कटिंग करेगा वो बिल्कुल एक एक कर्व को लेगा और बिल्कुल जूम करेगा, हम करेगा, तब उसमें तकरीबन किसी किसी एक घंटे भी लग जाता सिलेक्शन बनाने में, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब आप लोगों ने काम किया है तो आपने कभी नोट किया होगा, अगर आप सिलेक्शन छोड़ के कहीं उठ के जाओगे तो सिलेक्शन दोबारा महफूज नहीं होगा, अगर लाइट चला जाए तो वो सिलेक्शन वापस नहीं आएगा। मगर ये एक ट्रिक है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने शेप बना दिया।
अब क्या है कि ये जितना जितना भी बन गया शेप बन के एक लेयर पे महफूज है। लाइट अगर अभी चला भी जाए, आपने सेव किया हो अगर ये फाइल और लाइट चला जाए, तो ये जितना भी आपने शेप ड्रॉ किया होगा उतना वापस आपको मिल जाएगा। फिर आप पेन टूल लेके उसको दोबारा पॉइंट्स आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपका काम जितना आपने सिलेक्शन किया वो महफूज है। अगर उस तरीके से बात सिर्फ ले करेंगे तो वो काम महफूज नहीं रहेगा। अब इसको मुझे सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, शॉर्टकट की वही है कंट्रोल एंटर। पहले क्या था कि डायरेक्ट कॉपी कर रहे थे, अब डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल एंटर तो कर दिया मैंने, सिलेक्शन में आ चुका है। पहले डायरेक्टली हम कॉपी कर ले रहे थे, क्यों कर ले रहे थे? क्योंकि वो लेयर सिलेक्टेड था पिक्चर का, अभी कौन सा लेयर है? शेप का है, तो मुझे शेप कॉपी करना है, नहीं कौन सा करना है? इमेज कॉपी करना है। अब मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, ठीक है, एंड देन अब जहाँ पे आप जाके लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हो, समझ गए? काम वही है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ क्या है वो अलग से जो लेयर है उस पर शेप बना हुआ है। कंट्रोल डी कर दें सिलेक्शन, उसमें अभी भी आप पेन टूल लेकर अगर आप क्लिक करेंगे उस पर तो देखिए पॉइंट्स अभी भी मौजूद है। आप मज़ीद एडिटिंग वगैरह चाहे तो कर सकते हैं। फिर आप दोबारा कंट्रोल एंटर करेंगे, सिलेक्शन कन्वर्ट हो गया है। किसको कॉपी करना है भाई? इमेज को करना है। कॉपी किया, दूसरी जगह जहाँ लगाना है वहाँ जा करके आप पेस्ट कर दें, पेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये एक जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ओके? तो क्या बेहतर है हमारे लिए काम करना, ऐसे या डायरेक्टली? प्रोफेशनली अगर प्रोफेशनल, मुझे नहीं पता लोग कैसे करते हैं, मगर मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत कटिंग किया है, तो इससे ये होता है कि काम सेफ रहता है हमारे पास। लाइट चले गई सिलेक्शन करते करते, तो जितना भी पॉइंट पहले सेफ था उतना वापस आपको मिल जाएगा, वरना पूरा दोबारा आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। खैर यहाँ तक इतना बताना था, क्लियर है? वो आज आए नहीं है। उसके अलावा अगर आप नॉर्मली भी कर रहे हैं तो सिंपल सा काम है। अब मैंने पेन टूल ले लिए, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी भी शेप वगैरह का मज़ीद कर्व कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा मैंने डायरेक्टली जंप कर दिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मुझे इसको कर्व करना है। तो पेन टूल का ये फ़ायदा, आप दोबारा कंट्रोल दबा के उस लाइन पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट्स विजिबल हो जाएंगे। हो जाने के बाद अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कर्व करना है तो ये प्लस का साइन आ रहा है, क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं एंकर पॉइंट, क्या कहते हैं? एंकर पॉइंट। कंट्रोल दबा करके आप इसे आप मूव करेंगे तो देखो ये कर्व के साथ मूव हो रहा है, ठीक है। फिर और थोड़ा सा जूम कर लो, अरे यार जूम, पेन टूल यहाँ तक इतना आ गया है। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस पॉइंट को मैंने इधर मूव कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक किया, इस पॉइंट को मैंने इस तरफ कर दिया, और ये जो मज़ीद दो पॉइंट आ रही है बैलेंसिंग पॉइंट है इसके। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इन शॉर्ट आप और भी आसान तरीके से अगर आप सिलेक्शन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्शन हटा दे रहा हूँ, डिलीट कर दिया इस लेयर को। आपने क्या क्या, अगर आप डायरेक्टली पास से करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से जस्ट, आपको सिर्फ ये देखना है कहाँ से कहाँ कर्व है, कि अगर मेरा कर्व यहाँ से यहाँ बन रहा है तो मैं एक पॉइंट यहाँ लगाऊंगा और एक पॉइंट इधर, ठीक है। फिर स्पेस बार का बहुत मसला है यहाँ पर। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा कर्व है, एक पॉइंट इधर लगाया, यहाँ पर भी कर्व है, एक पॉइंट मैंने इस जगह पे लगा दिया, फिर थोड़ा सा इधर है, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, ठीक है। समझो आपने पूरा कर लिया। अब क्या किया, जब आप कंप्लीट कर लोगे तो लाइन ऐसा हो जाता है, सिंपल लाइन हो जाता है। फिर कंट्रोल दबा करके आप उस पर क्लिक करेंगे, पॉइंट्स आ गए, जहाँ जहाँ कर्व करना उसके बीच में आ गया, आपने क्या लगाना है? प्लस का साइन लग गया, कंट्रोल दबा के आपने इसे मूव कर देना। प्लस दबाना नहीं, कंट्रोल दबाएंगे तो मूव होगा।
कंट्रोल दबाने से एरो आ रहा है, मतलब आप उस पॉइंट को मूव कर सकते हैं। और प्लस का साइन अगर लगाना है तो कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आप लाइन के ऊपर जब आएंगे ना खुद ही प्लस शो करेगा। तो जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे आपने जस्ट क्लिक करना है। अगर उसके ऊपर आप अगेन क्लिक करेंगे तो देखो माइनस का आ रहा है, क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ख़त्म कर देगा। यानी कि अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर अभी क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो वो लगा देगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, राउंड करना है। मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल दबा करके इस तरह से मैंने इसको राउंड कर दिया। यहाँ पे भी राउंड करना है, एक्यूरेट शेप बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फॉलो करते हुए अब इस तरीके से काम करना है कि आप देखिएगा जहाँ जहाँ कर्व हो रहा उसके दरमियान सिर्फ लाइन खींच देना है। पॉइंट गैप दे दिया, कंप्लीट बना लेने के बाद फिर सिलेक्शन करके एडजस्टमेंट करना है। क्लियर है, कोई मसला मसाइल? जब ये काम हो जाए, ठीक है, आप सिलेक्शन कर लिए, उसके बाद आपने कॉपी पेस्ट भी कर लिया, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, और कुछ इसमें हमने ये देख लिया। ठीक है, पेन टूल से फिर हम मज़ीद कुछ ग्राफिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपना कुछ साइन लोगो वगैरह बनाना हो, कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे मुझे एस का साइन बनाना हो या एम बनाना हो, एक एग्जांपल अपना साइन बना रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने लेयर अलग रखा हुआ क्योंकि मैं बाद में इसमें कलर फिल करूँगा, इसलिए। अब क्या है, क्लिक दबा दिया मैंने, बैटमैन का एम लग रहा है। चलो खैर है, सॉरी, कंट्रोल एंटर, सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर आप कलर वगैरह कुछ भी फिल करना चाहें कर सकते हैं। भाई मुझे रेड कलर फिल करना है, ठीक है, अल्टर बैक स्पेस थोड़ा सही साइन बना लीजिए, कुछ भी है। और फिर एक न्यू लेयर लिया मैंने, नाइक का साइन अगर बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल दबा के मैंने क्लिक किया, एक पॉइंट इधर, किस तरह से होता है, ऐसे ही होता है या और भी कुछ होता है साइन? ऐसे राउंड होता है, किसी के पास है ना एक का लोगो? टिक की तरह होता है। तो थोड़ा सा गलत हो गया, एक इधर गया, ये किधर आया, ये किधर गया। ठीक है, इस तरह से इसको क्लिक किया मैंने, इसको इधर ये राउंड कर दिया, ये क्लिक किया, ये इधर राउंड कर दिया। अब ये सब मेरे गलत आ रहा है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। नोक बना हुआ था या नहीं होता है ऊपर से? यार देख के सब बनाना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक ऐसा होता है, नहीं ऐसा भी होता है, थोड़ा सा राउंड भी होता है। चलो खैर है, समझो इस तरीके से। ये भी मैंने ट्राई किया, मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसलिए मैं एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ। एक चीज़ सामने होता ना तो फिर मैं आइडिया लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने एक नया शेप बना दिया, कंट्रोल एंटर। अब इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर कर दिया, अल्टर बैक स्पेस। ठीक है, कंट्रोल डी, ये अलग लेयर पे और ये अलग लेयर पे। आपका लोगो बन चुका, मूव टूल लिया, इसको एडजस्ट कर लो भले से। ठीक है, अब क्या है, इस तरीके से आपने लोगो बना दिया। अब ये लोगो इसके साथ मर्ज हो जाए, मैंने बताया था क्या करना है, पीछे बैकग्राउंड से यहाँ के ऑप्शंस को यूज़ करना होता, ब्लेंडिंग कहते हैं सर। ठीक है, कि ये कलर पहले एम,
इसके साथ किस तरीके से मैच हो जाए वो शो करेगा। थोड़ा सा लाइट कलर, चले प्योर रेड रख लेता, मसला नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं, मतलब ब्लेंडिंग करेंगे ना तो इमेज में थोड़ा सा इफेक्ट आता है। आप लोगों ने आजकल वीडियो देखा होगा तो उसमें जो है अपना नाम वो लोग लगा देते हैं, मगर वो नाम पीछे वाले वीडियो से मैच होकर के नज़र आ रहा होता है। समझ में आ रहा है? अगर कोई ये तो सिंपल बैकग्राउंड है ना, अगर कुछ डिज़ाइन वाला तो उसमें आप लगाना चाहते हैं तो वो मैच हो जाता है। किसके मदद से? यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन से आप ओवरले कर दें। अब देखो मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगा ना, मैं इसके फेस पे भी ये निशान ला सकता हूँ। वो जो कलर वलर किया होता ना, फेस आधा कलर कुछ हुआ हुआ, इस तरीके से आप ये सारे काम भी कर सकते। ठीक है, मैंने किससे एम बनाया है जो भी किया, सब पेन टूल्स हैं। आगे मज़ीद आपको पेन टूल से लोगो वगैरह भी बनाना है। डन है, तो पिक्चर कटिंग भी करिए, फिर उसके बाद सब मज़ीद अपने मर्जी से कुछ एडिटिंग क्राफ्टिंग मुझे करके दिखाइए। पेन टूल क्लियर है, कहाँ पॉइंट लगाना है, कैसे पॉइंट ख़त्म करना है, वो पॉइंट को कैसे मूव करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसी पेन टूल से लोगो डिज़ाइनिंग सीखेंगे। बहुत है आज के लिए, ठीक है? तो अब आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके मुझे दिखाइएगा।